चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। शौनकादि ऋषि सूत जी से बोले कि हे महात्मन, अब हम पौष मास के तपों का वर्णन आपसे जानना चाहते हैं। तब सूत जी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुम सावधान होकर सुनो। विष्णु भगवान का जो मनुष्य पौष मास में षोडश उपचार विधि से पूजन करता है, यही सबसे बड़ा तप है। परंतु पौष मास में भगवान सूर्य देव का षोडश उपचार विधि से पूजन करने से बड़ा भारी तप और कोई हो ही नहीं सकता। पौष मास में जो मनुष्य असत्य नहीं बोलता, हमेशा सत्य बोलता है, यह सबसे बड़ा तप है। पौष मास में काया वाचा मनसा तीनों में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करे, सदैव अहिंसा में तत्पर रहे, यही सबसे बड़ा तप है। पौष मास में क्रोध को त्यागना चाहिए, किसी से भी किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रखना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए। तब एक ऋषि सूत जी से बोले कि हे देव ऋषि, पौष मास में किस देवता की पूजा करनी चाहिए और किस देवता की पूजा करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, पौष मास में सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रातः और मध्याह्न में सूर्य देव के मंडल के बीच में पूजन करना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। मंडल के अग्नि कोण में सब विघ्नों के नाश करने वाले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उनको लाल चंदन और लाल फूल चढ़ाने चाहिए। नैऋत्य कोण में सुगंधित चंदन पुष्प फल और नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे मनुष्य को पुत्र पोत्रों की प्राप्ति होती है। सफेद पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है, उसे रोग दोष और मृत्यु का भय नहीं रहता। पौष मास में पारण करने वाला मनुष्य भी कभी नरक का वासी नहीं होता। जो मनुष्य पौष मास में ब्रह्मचार्य से रहता है, क्रोध लोभ मोह का त्याग कर देता है, अहंकार नहीं करता, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सेवा करता है, जो पाप कर्म में नहीं पड़ता, अहंकार का जिसने त्याग कर दिया है, ज्ञानी पुरुषों की संगत में रहता है, वह मनुष्य सूर्य लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य पौष मास में शाकाहार भोजन करता है, उसे ब्रह्म हत्या जैसे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पौष मास में चांद्रायन व्रत करते हैं, उन्हें एक एक दिन में कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पौष रविवार का व्रत को धारण करता है, वह ज्ञान को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पौष रविवार के व्रत को धारण करते हैं, वह किसी भी प्रकार के रोग दोष कोढ़ आदि से मुक्त हो जाते हैं। जो भी पौष मास की कथा को पढ़ता है सुनता है, वह सूर्य भगवान के लोक में पूजित होता है। मनुष्य के देह में पाप तब तक ही निवास करते हैं जब तक कि वह मनुष्य पौष मास के व्रतों को धारण नहीं करता। जब मनुष्य पौष मास के व्रतों को धारण कर लेता है, तो उसके पाप भी उसी समय नष्ट हो जाते हैं। पौष मास में जो मनुष्य उगते सूर्य को अर्घ्य देता है, सूर्य के मंत्रों का जाप करता है, आदित्य स्रोत को पढ़ता है, उस मनुष्य को कभी भी नरक का भय नहीं रहता। जो इस महात्म्य को पढ़ता है सुनता है सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह
सूर्य लोक में पूजित होता है। पौष मास में मात्र दीपक जला लेने मात्र से ही भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। थोड़े से परिश्रम से ही उन्हें बड़ा भारी फल प्राप्त होता है। इसलिए सब प्रकार से श्रद्धा से युक्त होकर पौष मास में भगवान के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। दीपक के पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और आदित्य श्लोक का पाठ पढ़ना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान की आरती करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई सुलभ उपाय संसार में हो ही नहीं सकता। पौष मास में सूर्य भगवान की पूजा के साथ तुलसी जी की पूजा का भी बहुत पुण्य धर्म लगता है। जिसने अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाया हो वह कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी के दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्यारी है, लक्ष्मी का साक्षात रूप है। इसके तने में समुद्र का वास होता है, पत्तों में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है, शाखाओं में कमला का और पुष्पों में इंदिरा का वास होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुलसी की सूखी लकड़ी भी सारे विश्व के बड़े बड़े कष्टों को दूर करने में सक्षम है और भगवान को अति प्रिय है। सब रूपों में ही तुलसी आनंद देने वाली है। इसके चखने मात्र से मनुष्य को यम लोक का भय नहीं रहता। जो मनुष्य तुलसी को सिर पर धारण करता है उसको किसी प्रकार का कोई दुख कोई शोक नहीं होता। जो अपने मुख में तुलसी का पान करता है वह निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धा से तुलसी को स्पर्श करता है उसके तीनों प्रकार के दुख कार्तिक वाचिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। जो हृदय में तुलसी धारण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तुलसी के सींचने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि मृत्यु के समय जिस मनुष्य के कंठ में तुलसी पत्र को डाल दिया जाए तो उसे किसी भी पाप का भय नहीं रहता। उसके लिए यम मार्ग आसान हो जाता है। उसे यम मार्ग के कष्टों को नहीं झेलना पड़ता। उसे परम पद की प्राप्ति होती है। तुलसी के चिंतन मात्र से मनुष्य को कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी के नित्य ही विशेष करके पौष मास में सींचने से मनुष्य को यमपुरी का दर्शन नहीं होते, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहे उसने अपने जीवन काल में कितने ही बड़े पाप क्यों नहीं किए हों, लेकिन मरते समय अगर उसके मुंह में तुलसी दल डाल दिया जाए तो उसके सभी बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। पौष मास में विशेषकर तुलसी की वंदना मोक्ष को देने वाली है। दूध से तुलसी के सींचने मात्र से मनुष्य के हजार जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का स्मरण, तुलसी वृक्ष का सेवन और पौष मास में सदा तुलसी को सींचने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी कुल का एक मनुष्य भी तुलसी की सेवा कर लेता है तो उनका सारा कुल पवित्र हो जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है और जैसे जैसे वह तुलसी बढ़ती है वैसे वैसे उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। मनुष्य चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, तुलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धा से पौष मास में तुलसी का सेवन करता है, तुलसी दल को सींचता है, दियाबाती करता है, सुहाग की पिटारी अर्पित करता है, तुलसी को चुंदड़ी उड़ाता है, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी की सेवा करता है उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और तुलसी की सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य पौष मास में शिव जी की वील पत्र से पूजा करता है उसके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। एक समय पार्वती जी विहार करते हुए थक गई तो उनके माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई और वह बूंद पृथ्वी पर गिर गई।
उस बूंद के पृथ्वी पर गिरने से दो वृक्ष उत्पन्न हो गए। एक समय पार्वती जी अपनी दो सखियों के साथ, जया और विजया के साथ, धरती पर भ्रमण कर रही थी। तब उन्होंने पूछा कि यह महान वृक्ष यहाँ कैसे आया? यह वृक्ष तो मुझे अति सुंदर लग रहा है। तब जया ने कहा कि हे देवी, यह वील पत्र का वृक्ष तुम्हारे ही पसीने की बूंदों से पैदा हुआ है। इसके पूजन से अनेक पापों का नाश हो जाता है। तब माता पार्वती ने कहा कि इन महान वृक्षों के पत्तों का जो कोई भी सेवन करेगा, वह इस पृथ्वी का प्रतापी राजा होगा, और जो कोई श्रद्धा भाव से वील पत्रों से मेरी और शिव की पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति होगी। और जो कोई मनुष्य वील पत्र के अग्रभाग को खाएगा, उसके हजार जन्म के पापों का नाश हो जाएगा। जो वील पत्र से मेरी और शिवजी की पूजा करेगा, उसे कभी भी यम की यातना का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। वह तीनों प्रकार के दुख, कार्थिक, वाचिक, मानसिक, सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाएगा। इतने वचन कहकर पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वापस कैलाश पर्वत पर चली गई। विष्णु भगवान कहते हैं कि वील पत्र का वृक्ष पृथ्वी पर अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। इसके मूल में गिरिजा का वास है, स्कंद में दाक्षायणी देवी का, शाखाओं में माहेश्वरी देवी का, पत्तों में पार्वती देवी का, और फल में कात्यायनी देवी वास करती है। त्वचा में गौरी, वलकल में अपर्णा, फूलों में दुर्गा, छोटी शाखाओं में उमा, कांटों में शक्ति वास करती है। जो इसके पत्तों से पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। यही माहेश्वरी, यही गिरजा, यही लक्ष्मी, यही मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य पोष मास में वील पत्रों से माता पार्वती और महादेव जी की पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज मैं आपको पोष पूर्णिमा स्नान का महत्व बताऊंगी। इस दिन सूर्य निकलने से पहले शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए, चाहे वह कुआं, तालाब या घर में भी किया जा सकता है। फिर भगवान मधुसूदन की पूजन करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान मधुसूदन प्रसन्न होते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये स्नान करने से और पोष पूर्णिमा का व्रत करने से, कथा सुनने से देव विमान आता है, जिसमें बैठकर मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त होता है। और इसको पोष पूर्णिमा को चंद्रमा और सूर्य का संगम भी कहा जाता है, क्योंकि पोष का महीना सूर्य को समर्पित है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। इसलिए इस दिन विष्णु भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। पोष पूर्णिमा का व्रत विधि क्या है? पोष पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करना चाहिए, वरुण देव को प्रणाम करना चाहिए। किसी नदी, कुएं, तालाब या फिर घर पर भी स्नान किया जा सकता है। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य मंत्र बोलना चाहिए, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। उसके बाद ही आप अपना व्रत खोलें। तो आज मैंने आपको पोष पूर्णिमा के व्रत और पूजा विधि और दान दक्षिणा के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। छप्पन भोग चतीसो व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। पोष मास का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।